दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? आखिर किसका सपना नहीं होता कि जो दुनिया भर में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर टॉप 10 जो लिस्ट है यूनिवर्सिटीज की, वो कौन कौन सी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक की यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी। नंबर 1 पर जो यूनिवर्सिटी है वो है MIT कैम्ब्रिज। यह यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स, जो मॉडर्न साइंस डेवलपमेंट है, उसके लिए जानी जाती है। तो नंबर 1 पर है MIT कैम्ब्रिज। नंबर 2 पर जो यूनिवर्सिटी आने वाली है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यह यूनिवर्सिटी 98 नोबल जो लिटरेचर मिल चुके हैं वो जीत चुकी है, और साथ ही इस यूनिवर्सिटी में 15 प्राइम मिनिस्टर यहां से ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो नंबर 2 पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। नंबर 3 पर जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि यहाँ से गूगल हो गए, याहू हो गए, स्नैपचैट हो गए, लिंक्डइन हो गए, इन सभी के जो फाउंडर हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर ही आए हैं। नंबर 4 पर जो यूनिवर्सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती थी इस यूनिवर्सिटी में। और इस यूनिवर्सिटी की 4 डिवीजन है, और पर्टिकुलर अगर हम देखें इस यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ क्या है, तो वो है साइंस और मेडिसिन इस यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ है। नंबर 5 पर जो यूनिवर्सिटी है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओलंपिक गेम के लिए। मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से 108 ओलंपिक विनर्स निकले हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारे 5वें नंबर पर आती है। नंबर 6 पर जो यूनिवर्सिटी है वो अपने रिसर्च पेपर के लिए जानी जाती है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के भी रिसर्च पेपर को पब्लिश किया था। नंबर 7 पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो है इम्पीरियल कॉलेज लंदन। इस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है, इस यूनिवर्सिटी का मेन जो फोकस रहता है वो रहता है साइंस टेक, मेडिसिन और साथ ही बिजनेस स्टडीज पर। तो नंबर 7 पर है इम्पीरियल कॉलेज लंदन। नंबर 8 पर जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी UCL। इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि इस यूनिवर्सिटी से महात्मा गांधी ने भी पढ़ाई की है। नंबर 9 पर जो यूनिवर्सिटी है वो है ETH ज्यूरिख। इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि यहाँ पर लो कॉस्ट ट्यूशन फीस है। अगर आप यहाँ से PhD करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही कम फीस चार्ज की जाती है। तो ETH ज्यूरिख यूनिवर्सिटी अपनी लो कॉस्ट ट्यूशन फीस के लिए जानी जाती है। नंबर 10 पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो है अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि यह मेन जो फोकस अगर हम देखें तो इसका रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तो नंबर 10 पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो ये दुनिया भर की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें सभी स्टूडेंट का सपना होता है कि इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में किसी एक में मेरा एडमिशन हो। तो आपको इन सभी में एडमिशन किस तरीके से मिलता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा।